Hey guys and welcome back to the Pokemon Glaze version। जहाँ पे गए पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ट्रैवल किया था फ्रॉम दी व्हाइटवुड सिटी टू दी कह सकते हो कि गाइस यार यहाँ पर ओलिवाइन सिटी और फिर हम आ चुके थे इन दी सियानवुड सिटी एंड हाँ यार तब हम आ चुके थे इन फाइनली इन दी एवरग्रीन टाउन। बट उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी टीम में अपने फाइनल मेंबर को ऐड कर दिया है गाइस यार, जो कि है द केबल। जी हाँ गाइस यार, मैंने उसका नाम दिया है जी जॉट्स। यहाँ पर अभी अपनी इस टीम में पूरी एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है हमारी इस टीम में। सो क्या एक ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। ग्राउंड टाइप इस टीम में हमारे पास एक भी पोकेमॉन था नहीं, सो या इसलिए मैंने यहाँ पर इसे अपने इस टीम में शामिल किया है। सो या आज हम चैलेंज करने के लिए जाने वाले हैं। जी पहले तो देख लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर एवरग्रीन जो टाउन का जिम लीडर था वो पहले था यहाँ पे सियानवुड के डोजो में। तो उसके लिए वहाँ पर मुझे उसके साथ बैटल करना पड़ा। यहाँ पर मैंने उसके साथ फिर फ्लो के साथ बैटल किया और फिर मैंने उसको भेज दिया। सो या एवरग्रीन टाउन जिम लीडर सिल्वा। तो यस गाइस यार, यहाँ पर अभी आज हम लोग अपना सेवेंथ जिम बैच अर्न करने के लिए जाने वाले हैं सीधा यहाँ के सीधा अंदर। हाय बड़ी, हाउ यू डूइंग? हो क्या तुमने यहाँ पे वाइप चेक डॉक वाइप चेक करी है नई जगह की? ये अच्छा है क्योंकि सिल्वा यहाँ पे ट्रेन करता है डॉग टाइप पोकेमॉन को। सो तुम्हें इसके बारे में विच तो पता ही होंगे। सो या दैट्स फॉर श्योर। ओके सो गाइस यार, यहाँ पर एक डार्क टाइप ट्रेनर है तो शायद हमें थोड़ी सी आगे चलकर चिंताजनक हो सकती है, बट या कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। ओके सो यहाँ पे जो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा एक बिट चैलेंज रहने वाला है। पहली बार मैं ऐसे चैलेंज फेस करने वाला हूँ इस जिम, मतलब कि इस जोटो के रीजन्स के जिम में, क्योंकि कई सर यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे ना जो जिम्स हैं यहाँ नॉर्मली जो जिम्स होती थी वहाँ पर बस यार हल्के खासे जो मतलब कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट और टास्क थे नहीं, एक्सेप्ट दी इरेटिक सिटी जो गोस्ट टाइप थी। बट ये डार्क टाइप में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो या अगर अभी हम लोग टीम की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार हम लोगों ने चुने थे थ्री पोकेमॉन्स एक्चुअल में चुने थे, बट हम लोगों ने बाद में टू पोकेमॉन्स के साथ जा चुके थे। दी हमारा दी कह सकते हो कि गाइस यार स्कार्फ पिकाचू द स्पाइक, यहाँ पर हमने उसका नाम दिया था द पीका। तो नेक्स्ट वन था हम लोगों का जो हम लोगों को मिला था एज अ गिफ्ट फ्रॉम दी कह सकते हो कि एक बंदे ने हमें दिया था, जो कि था गाइस यार यहाँ पर दी क्वालावा, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था गाइस यार द क्विल। सो थर्ड वन था गाइस यार हम लोगों का कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों थर्ड वन हम लोगों को एक स्टार्टर मिला था। सो फर्स्ट में हम लोगों ने टिक मार्क करी थी इलेक्ट्रिक टाइप वाली एबिलिटी, सेकंड में हम लोगों ने टिक मार्क करी थी फायर टाइप एबिलिटी, द थर्ड वन में हम लोगों ने टिक करी थी वाटर टाइप एबिलिटी विच वॉज दी फेरालीगेटर, जो हम लोगों ने ऑप्टेन किया था दी टोटोडाइल। उसके बाद हम लोगों ने उसके इवॉल्व किया था इंटू दी फेरालीगेटर, यहाँ पर उसको हमने निकनेम दिया था दी टोटो। सो तीन एबिलिटी टेक मार्क हो चुकी थी, बट द फोर्थ वन हम लोगों ने ऐड करा था एक फॉसिल पोकेमॉन। सो गाइस यार देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा मतलब कि हम लोगों ने टोटल चार करे थे, जो फ्लाइंग एंड दी रॉक टाइप था हम लोगों का, जो फॉसिल टाइप पोकेमॉन था एंड उसके पास एक ड्रैगन टाइप की एक स्पेशल एबिलिटी भी है यहाँ पर अपने हीरो के पास। फिफ्थ वन में हम लोगों ने ऐड किया था जो हम लोगों ने पहले जो थे वो तीन पोकेमॉन जो हम लोगों ने ऐड करे थे ना, उनमें से हम लोगों ने बाद में जो डिपॉजिट करा था दस कह सकते हो कि गाइस यार यहाँ पर हम लोगों ने ग्रोवाइल उसको जो हम लोगों ने यहाँ पर बाद में जो है डिपॉजिट कर दिया था। उसके बाद में मैंने फिर से आप लोगों के रिकमेंडेशन की वजह से यहाँ पर मैंने उसको ले लिया था। सो या फिफ्थ एंड लास्ट यन या जो सिक्स वन था हम लोगों का जो हम लोगों ने आज ऐड किया है, ये मैंने वहाँ पे ऐड किया है जहाँ आप लोगों को याद होगा जहाँ पर हम लोगों ने ड्रैगोनाइट को पकड़ा था, यानी कि ट्रेटिनी को जहाँ पर पकड़ा था, जो हम लोगों का जो टाउन है होम टाउन उसी के बगल में जो ये एरिया था वहाँ पर हम लोगों ने वो पकड़ा था इस पोकेमॉन को, यहाँ पर मैंने इस गिबल को पकड़ा है। सो या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टीम हम लोगों ने ऑलरेडी बना ली है अपनी इस गेम में, बट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी बाकी है। इस बार मैंने ये जो पोकेमॉन की जो ट्रेनिंग है ना, ये वाले पोकेमॉन की इसकी जो ट्रेनिंग है अगर देखा जाए गाइस यार आप लोगों को, तो मैं ऑन स्क्रीन ट्रेनिंग करने वाला हूँ, यानी कि एक्सपीरियंस शेयर देखे जितनी अच्छी खासी ट्रेनिंग होगी उतनी ही हम लोग करने वाले हैं। बाय द वे गाइस यार, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं, बट अभी मुझे यहाँ पर रास्ता ढूंढना है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर रास्ते जो है वो बनाए हैं यहाँ पर जिम लीडर ने। यहाँ पर जिम लीडर जो है वो सिल्वर है, जो कि दी पोकेमॉन हार्ट एंड गोल्ड दी रोम जो यहाँ पर निटेंडो
डीएस गेम था, उसका जो मेन एंटोगोनिस्ट यानी कि जो मेन विलन था वो था यहाँ पे द सिल्वर। अभी इस गेम में जो है वो अच्छा बन चुका है एंड वो एक जिम लीडर है। सो या एक अच्छी यहाँ पर हम लोग के लिए चैलेंज होने वाली है। सो देखते हैं गाइस यहाँ पर अभी वो, क्योंकि वो डार्क टाइप पोकेमोन चूज करता है ना, उस वजह से हमारे पास उसके लिए टैकल करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक भी फाइटिंग टाइप ऑप्शन हमारे इस टीम में है ही नहीं। तो भी कह सकते हो कि गाइस यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैप, यानी कि गाइस यहाँ पर अभी कह सकते हो कि गाइस हम लोगों को जी अच्छे से यहाँ पर अभी खेलना पड़ेगा, कि यहाँ पर हम लोग अभी अच्छे से यहाँ पर अभी हम लोगों को अपने टीम कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से चलाने पड़ेंगे। देखते हैं गाइस यहाँ पर अभी कैसे चलता है सब। अभी यहाँ पर हम लोगों का जो कारवा यहाँ पर ये जो जिम बैच है वो कैसे हम लोग अर्न कर पाते हैं फिलहाल के, तो गाइस यहाँ पर मैं यहाँ से रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर जिम लीडर की तरफ। ओके होपफुली ये रास्ता चल जाए। ओके सुया बस अभी दो ही यहाँ पर ये लास्ट ट्रेनर बचा था जिसको हम लोगों ने हरा दिया है। बस यहाँ पर अभी मुझे जो है वो चैलेंज करने के लिए चले जाना है जिम लीडर को। यस फाइनली वी आर इन द चैलेंज ऑफ द जिम लीडर। जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए गाइस यहाँ पर चले जाते हैं। हियर वी गो। यहाँ पर इस पोकेमोन को यहाँ पर इस बैटल के लिए मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाला हूँ। थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स में यहाँ पर सोच रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ अपने पीका को। ओ यस मैंने फिगर आउट किया कि तुम यहाँ पर आ चुके हो सूनर और लेटर। सो या मैं काफ़ी तुम श्योर हो गए कि यहाँ पर तुम अवेयर हो गए कि मैं डार्क टाइप पोकेमोन का इस्तेमाल करता हूँ। सो या तुम्हारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। सो तुम्हें पता है ना कि ये कितने कूल पोकेमोन होते हैं। सो शायद काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर ली है हमने, तो जिस तुम काम के लिए आए हो जो बैटल अब हम शुरू करते हैं। सो हियर वी गो गाइस यार, ध्रुव द गेमर वर्सेस दी यहाँ पर एवरग्रीन टाउन जिम लीडर सिल्वर। सो उसने शुरुआत करी है विद हील्स ऑन प्रो। तो यहाँ पर हम लोग अभी लेकर आ जाते हैं अपना थंडरबोल्ट। देखते हैं यार यहाँ पर अभी अपना थंडरबोल्ट कैसे काम करता है। होपफुली ये काम कर जाए प्लीज प्लीज प्लीज। जो दाव मैंने खेला था अपने पीका के साथ वो यहाँ पर अपना काम कर चुका है। सो जी हाँ गाइस यहाँ पर हम लोगों ने हरा दिया है कि हॉनक्रो को। सो यस नेक्स्ट अप इज द हाइड्रेगन। तो इसके खिलाफ ना मैं यहाँ पर अपनी अभी थैंक यू सो मच यार पीका, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी पीका को थोड़ा सा परस्यू मुझे करना पड़ेगा और थोड़ा सा फोर्स अप करना होगा। तो इस बार हम लोग जाते हैं यहाँ पर थंडर बोल्ट के साथ। देखते हैं गाइस यहाँ पर अभी कैसे वर्क होता है ये मूव। ओके तो ये ज़्यादा इतना तो वर्क नहीं करा, बट अभी हम लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर रणनीति सोचनी होगी कि गाइज़र यहाँ पर अभी हम कौन सा मूव इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस हाइड्रेगन को डाउन कर सकता है। सो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंशिएंट पावर के साथ शुरुआत जो करी है। देखते हैं गाइज़र यहाँ पर। ओके सो अच्छा खासा इसने भी मूव दिया था जरूर, बट ओके स्टील विंग यार हम लोगों का गलत हो गया। देखते हैं स्टील विंग। सो स्टील विंग अच्छा तो काम कर रहा था, बट यहाँ पर अपनी एयो जो है वो यहाँ पर डाउन हो चुकी है। सो या नेक्स्ट हम यहाँ पर हम लोग लेकर आ जाते हैं यहाँ पर अपने टोटो को। तो देखते हैं यहाँ पर अभी अपनी टोटो कैसे काम करती है काम करता है। तो यह सर्फ दे दिया है मैंने। ओके सो एक और सर्फ देने की ज़रूरत थी, बट यहाँ पर हाइड्रेगन तो सो के जाए सोने के लिए चले गया। सो कोई बात नहीं आइजर यहाँ पर अभी हम लोग ये सुपर पावर दे दी उसने। तो जी हाँ आइजर यहाँ पर अभी सर्फ के साथ जाते हैं। सो इस बार हम चले जाते हैं सीधा आइस बीम के साथ। ये नई नई यहाँ पर मैंने TM सिखा दी है यहाँ पर अपने जस्ट बिफोर द बैटल, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर एक डार्क टाइप में ये यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन का, इस वजह से मैंने यहाँ पर आइस बीम सिखा के रखी थी। सो या हाइड्रेगन भी यहाँ गाइज़र यहाँ पर अभी डाउन हो चुका है। सो टोटल दो पोकेमोन यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर उसके डाउन कर दिए हैं। सो देखते हैं दी थर्ड पोकेमोन हु विल बीट बी। ओके सो यहाँ पर मैं बुला लेता हूँ अपने यहाँ पर अपने क्विल को। सो यहाँ पर अभी आपने तो पता ही है कि इसके पास अभी भी 3 पोकेमोन अभी भी बचे हुए हैं। सो नेक्स्ट अप इज द वीवाइल। सो लेट्स गो विद द फ्लेम थ्रोवर। देखते हैं गाइज़र यहाँ पर ये आइस टाइप पोकेमोन है तो शायद अच्छी खासी हिट जरूर करेगी। ओके सो अच्छी खासी हिट जरूर करी इस बार, तो कोई बात नहीं गाइज़र यहाँ पर अभी हम लोग अभी ओके सो चलते हैं गाइज़र यहाँ पर अभी हम लोग ओके एब्सॉल्व। ऑल राइट सो एब्सॉल है नेक्स्ट अप। देखते हैं यहाँ पर इसके खिलाफ यहाँ पर मैं स्कैप्टर को लेकर आ जाता हूँ। देखते हैं गाइस यहाँ पर ये जो दो पोकेमॉन्स बचे हुए हैं यहाँ पे, अगर एब्सॉल को हम लोगों ने डाउन कर दिया था तो मुझे लगता नहीं है कि इसका जो लास्ट पोकेमॉन है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा अगर यहाँ पर हम लोगों ने अभी जल्दी से यहाँ पर स्कैप्टर को डाउन कर दिया तो। सो या देखते हैं अभी एक ओके सो यहाँ पर एक और लीफ ब्लेड की ज़रूरत है। सो देखते हैं गाइस यहाँ पर भी एक और लीफ ब्लेड क्या काम कर पाता है हमारे लिए। ओके सो लीफ ब्लेड दे दिया है मैंने यहाँ पे। ओ शिट यार उसने यहाँ पर ड्रैग आउट कर लिया एंड बुला लिया एक अपने एम्ब्रियन को।
सो शायद यहाँ पर ये अम्ब्रियन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी कर सकता है अगर देखा जाए तो। देखते हैं सर यहाँ पर अभी कैसे चलता है यहाँ पर सिनेरियो। यहाँ पर अभी मैं एब्जॉल को डाउन करने के लिए यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं गाइजर यहाँ पर भी जल्दी से। ओके एंड हाँ गाइजर माफ़ करना, थोड़ी सी जो वीडियोस थी वो थोड़ी सी नहीं आ रही थी। रीज़न कुछ खास नहीं है, मैं ठीक था, मेरी बिल्कुल भी हालत ठीक थी, ऐसा नहीं है कि मैं ठीक नहीं था। बस कह सकते हो कि रूम जो था वो मेरा फ्री नहीं मिल रहा था, क्योंकि गाइज यार अभी छुट्टियां चल रही है तो सब लोग घर पर ही है, तो यहाँ पर अभी रूम जो है वो मुझे फ्री नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने के लिए। अगर शॉर्ट रीजन में कहूँ तो सब लोग घर पर थे, तो दैट इज़ द रीज़न कि वीडियो शूट नहीं हो पाई। बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ये वीक में हम लोग रेगुलर रहे एंड ऑल द 7 डेज, क्योंकि गाइज यार इस वीक में जो लास्ट वीक था वो रॉकेट एडिशन का एपिसोड आने वाला था बट वो भी नहीं आ पाया। सो या मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक तो जो वो ज़रूर आ जाए, कोशिश करेंगे गाइज यार यहाँ पर मैं वो लेकर आने की। बट अगर नहीं आया तो प्लीज़ गाइस यार माफ़ कर देना अगर ये वीक में भी नहीं आया तो, क्योंकि गाइस यार मुझे अभी वो जल्द से जल्द वो गेम को कंप्लीट करना है। वो एक अब पेंडिंग गेम बचा हुआ है हमारी इस कह सकते हो कि पूरी जर्नी में जो हम लोगों ने कंप्लीट ना किया हो। सो दैट इज़ द रीज़न वो जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर शायद उसके बड़े बड़े एपिसोड्स आ सकते हैं इस वीक तो नहीं बट जल्द ही बड़े बड़े एपिसोड्स आ सकते हैं, शायद हम जल्द उस गेम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा वो गेम है नहीं। तो शायद अभी मुझे लगता नहीं है कि उस इतना ज़्यादा टाइम लगेगा उस गेम को कम्प्लीट करने में। सो या लेजर यहाँ पर अभी हम लोगों ने अम्ब्रियन को जो है वो यहाँ पर हरा दिया है। सो देखते हैं इसका थर्ड लास्ट वन पोकेमॉन कौन सा है जो कि है एब्जॉल। आई नो दैट। तो यहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ एक अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ एंड दैट्स इट। तो जी हाँ गाइजर यहाँ पर हम लोगों ने एब्जॉल को हरा दिया है सिल्वर को। तो अपनी जॉस जो है वो अब तक लेवल 23 पर जा चुकी है। आई नो कि तुम मुझे हरा सकते हो अच्छी तरीके से, ये रहा तुम्हारा बैच। तो जी हाँ गाइजर यहाँ पर इसके साथ द 7th जेम बैच वी हैव ऑब्टेन विच इज द नाइट बैच, मोर वन टू गो फ्रॉम नाउ गाइज। सो वो भी हमें जल्दी ही मिल जाएगा। इस बैच के साथ तुम डीप भी इस्तेमाल कर सकते हो आउटसाइड द बैटल, ये लो ये रख सकते हो तुम। सो यह गाइजर पीएम नंबर 46 यहाँ पर हम लोगों को मिल चुकी है। सो जी हाँ गाइजर यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा ये हम लोगों का आज का एपिसोड। मंडे में ही हम लोगों ने एक जिम बैज यहाँ पर अर्न कर लिया है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वीडियो को यहीं पर एंड करने का वो समय आ चुका है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो एंड आपको पता होगा कि गाइजर यहाँ पर हम लोगों का जो कह सकते हो कि रिमेनिंग पेंडिंग सिटीज़ थी ना, सिटीज़ एंड टाउन्स, वो शायद यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे तब नेक्स्ट सिटी में, तो शायद मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी और कोई ज़्यादा नया सिटीज़ बचे होंगे। यहाँ पर हम लोग जाएंगे कल महाबली टाउन में। महाबली टाउन में क्यों जाने वाले हैं वो तो आप लोगों को कल ही पता चलेगा। यहाँ पर होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को कहीं सर लाइक बट का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे यार फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो या इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन ग्लेज वर्जन। तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।